अच्छा, न्यूटन डिवाइडेंड डिफरेंस में क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो आपके पास टेबल होगा उसमें जो एक्स की वैल्यूज़ होंगी ना सारी, वो इक्वल इंटरवल पे नहीं चल रही होगी। अब जैसे देखो, टू और थ्री का जब डिफरेंस निकालोगे इंटरवल, तो 1 का आ रहा है। अब यहाँ 3 और 6 का निकालो तो कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। 7 और 6 का फिर 1 का आ रहा है, फिर 7 और 9 का 2 आ रहा है। तो डिफरेंस जो है, इंटरवल जो है, इसमें जो गैपिंग आ रही है, ये जो सीरीज़ है 2, 3, 6, 7 है, वो इक्वल नहीं चल रहा। इसकी वजह से जब ऐसे ही आपके पास कोई टेबल हो या कोई ऐसा डेटा गिवन हो, तो फिर वहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस फेल हो जाता है, इसलिए वो इक्वल इंटरवल के लिए। वहाँ पे फिर डिवाइड एंड डिफरेंस या लाग्रांजे मेथड या स्टर्लिंग फार्मूला यूज़ होता है। तो आज तो अभी हम सिर्फ डिवाइड एंड डिफरेंस देखेंगे। ये दिया हुआ है, अब लिखा हुआ है कि फाइंड F5, मतलब एक्स की वैल्यू 5 दी हुई है जो हमें इंटरपोलेट करना होगा। एक्स की अगर हम 5 दे रहे हैं तो तुम्हें जो है यहाँ ये एक्स की 5 है। अब देख लो, इसमें अब देखना टेबल उस तरीके से जनरेट नहीं होगा, थोड़ा सा अलग है। पहले तो हम टेबल कैसे जनरेट करते थे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में किन लोगों का माइनस, इन दोनों का डिफरेंस लेते थे, तो फिर ये 20 इस तरह से यहाँ वैल्यू आ जाती थी, फिर इन दोनों का लेते थे तो फिर यहाँ आ जाती थी। इसमें थोड़ा सा चेंज है। अच्छा, ये तुम पहले वही लिख दोगे एक्स और एफ ऑफ एक्स, ये तो तुम्हारा टेबल आ गया। फिर एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, फिर एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर। मतलब कि ये फर्स्ट हो गया, टू सेकेंड हो गया, थर्ड फोर्थ, तो 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 2, 0 से लेकर 3 और 4। अब ये बता रहा हूँ कि अब ये देखो 24 कैसे आया। अब ये देखना, ये मैंने देख लो एक तरीके से मैंने एरे बना लिया, उसमें ये मैंने लिख दी एक्स की वैल्यूज 2, 3 और 6, 7 और 9, और ये मैंने इंडेक्स लिख दिया कि एक्स नॉट पे 2 है, एक्स वन पे 3 है, एक्स टू पे 6 है, एक्स थ्री पे 7 है और एक्स फोर पे 9 है। ये हो गया। अब देखो, मुझे ये मालूम करना है, अब मुझे ये पूरा ये टेबल जनरेट करना होगा। एंड में वही है कि सिंगल वैल्यू या जीरो बचना चाहिए, तो हम वहाँ पे ख़त्म कर देंगे। अब देखो, ये मुझे 20 ये करना है, ये माइनस कैसे कराऊंगा, देखो 39 माइनस 15 3 माइनस 2 39 माइनस 15 अपॉन 3 माइनस 2, तो ये 24 आएगा। देखो 39 माइनस 15 3 माइनस 2 इक्वल टू 24 आ जाएगा। पहले क्या होता था, सिर्फ ये हम माइनस करते थे और यहाँ वैल्यू लिखते थे। अब इनकी ये एक्स वैल्यूज़ भी आएंगी अपॉन में, पहले अपॉन में कुछ नहीं आता था। तो 39 माइनस 15 3 माइनस 2 24 हो जाएगा। अब इसके लिए आ जाए 243 माइनस 39 अपॉन 6 माइनस 3, तो 68 आ जाएगा। अगर हम देखते हैं 243 माइनस 39 6 माइनस 3, तो 68 आ जाएगा। अब इसके लिए करते हैं, इस वाले इसके लिए, तो 375 माइनस 243 अपॉन 7 माइनस 6, तो 132। ऐसे इसको माइनस करोगे तो 198 आ जाएगा। ये तो हमारा पहला वाला कॉलम क्रिएट हो गया एक्स नॉट एक्स वन वाला। अब हमें करना है एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। अब इसके लिए हमें ये वाला करना है, मतलब कि ये तो अब ये छूट गया था, अब इसमें 2 छूट जाएंगे। अब हमें ये जनरेट करना है, तो ये कैसे करोगे, 68 माइनस 24 2 माइनस 6 होगा। अब याद रखना 68 माइनस 24 6 माइनस 2, अरे इसमें है क्या भाई, देखो ये आ गया, ये वाला जनरेट हो गया टेबल, ये वाली कॉलम हुई, समझ में आई ये वाली। थर्टी नाइन माइनस, एक मिनट रुकना यार, मैंने कैलकुलेटर में करा तो था, हाँ ना 24 आएगा। आ रहा ना, ये देखो मैं ये फिर से बता देता हूँ। देखो पहले हम क्या करते थे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में सिर्फ ये माइनस करते थे ना, 39 माइनस 15, तो यहाँ आ जाता था आंसर, फिर इसको करते थे तो फिर यहाँ पर आ जाती थी वैल्यू। डिवाइड एंड डिफरेंस भी क्या है कि जब हम इसको माइनस करेंगे तो इनकी ये वाली वैल्यूज अपॉन में रखेंगे। अब ये है 39 माइनस 15 3 माइनस 2 तो 24। अब इसके लिए आ जाओ, इस वाले
कॉलम के लिए, तो 243 माइनस 39 अपॉन 6 माइनस 3 तो 68 हो जाएगा। अब इसके लिए आ जाओ इस वाले कॉलम के लिए, तो 375 माइनस 243 अपॉन 7 माइनस 6 तो 132। इस तरीके से मैंने ये पहला वाला जनरेट कर लिया, यहाँ तो हो गया। अब इसमें आओ, अब मैं इसमें बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा वो है, इसमें क्या है 68 माइनस 24 करोगे, सही है, लेकिन 68 की ये वाली कॉलम लोगे, 68 की जो वैल्यू है यहाँ पर जो आ रही है 6 आ रही है, और माइनस 24 में अब ये वाली नहीं लोगे जो x की ये वाली वैल्यू, तो मैं सबसे ऊपर वाली जानी पड़ेगी अब 2, तो 68 माइनस 24 अपॉन 6 माइनस 2 तो 11 आ जाएगा। अब इसके लिए आओ 138 माइनस 68, 138 के लिए तो 7 ले लोगे, अब 68 के लिए ये वाली नहीं लोगे, अब ये वाली लोगे, हाँ किधर से बताऊँ बताऊँ कौन सा वाला कॉलम, ये तो ये वाला तो आ गया है ना समझ में। हाँ अब देखो तुम्हें ये वाला कॉलम जनरेट करना है, यहाँ तो मैंने लिखा हुआ है ना अभी, तो यहाँ पे जब तुम जनरेट करना शुरू करोगे तो सारी कॉलम अभी ब्लैंक होंगी ये वाली अभी, तो अब हमें ये वाला करना है, तो 68 माइनस 24 सही है। अब 68 के सामने वाली कौन सी वैल्यू है x की, अपॉन में ये लिख दोगे सही है अपॉन 6। अब 24 वाली ये वाली नहीं लिखोगे माइनस 3, अब जो सबसे ऊपर वाली है ना वो लिखोगे, मतलब फर्स्ट और थर्ड वैल्यू लोगे अपॉन में, तो 68 माइनस 24 ये तो लिख लोगे, ये तो बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे इधर करा था, यहाँ पर 6 की जगह 6 तो आ जाएगा, माइनस 3 नहीं आएगा अभी, यहाँ माइनस आएगा 2, तो 68 माइनस 24 6 माइनस 2। अगर मैं तुम्हें दूसरा पेज दिखाऊँ, रुक जाओ उसमें मैंने यह करा, 68 माइनस 24 6 माइनस 2, ये मैं इधर खोल देता हूँ एक, और उसके बराबर में तुम्हें यहाँ पर भी टेबल शो कर देता हूँ सही है, और ये आ जाए। अब ये देखो इसको मैंने करा जूम, थोड़ा मैंने जूम कर दिया, अब देखो अब मुझे इसके लिए जनरेट करना है इस वाले कॉलम के लिए, तो 132 माइनस 68, तो 132 की तो ये वाली वैल्यू रख लिया करोगे अपॉन में हमेशा 7, अब माइनस 6 नहीं होगा, माइनस होगा 3 से, तो 132 माइनस 68 7 माइनस 3 तो तुम्हारा आ जाएगा 16 आंसर। अब ऐसे ही 22 के लिए आ जाओ, 198 माइनस 132, 198 के लिए ये वाली वैल्यू ले लोगे अपॉन में, 198 माइनस 132 अपॉन 9 माइनस 6 आएगा भैया, माइनस 6 तो फिर तुम्हारी यहाँ आ जाएगी 22 आंसर आ जाएगा इसका सही है। ये तुम्हारा दूसरा कॉलम जनरेट हो गया, अब इस वाले में आ जाओ 0 1 2 3, अब तुम्हें क्या जनरेट करना है, ये वाला कॉलम जनरेट करना है, तो 16 माइनस 11, तो 16 के लिए तो तुम ये वाला ले लोगे 7, लेकिन 11 के लिए हमेशा सबसे पहली वाली पे जाओगे अब, इसलिए इससे पहले कोई भी नहीं है तो यहाँ पर जाओगे, तो क्या हो गया 16 माइनस 11 7 माइनस 2 1 आ जाएगा। अब 22 माइनस 16, 22 के लिए 9 आ जाएगा और 16 के लिए 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाए। हाँ बोलो, हाँ टॉप से जाएंगे, हाँ टॉप से, हाँ हाँ ऐसे ऐसे सही है, हाँ ये दूंगा मैं, ये तो मैं दूंगा ना, वरना फिर सॉल्व छोड़ हो पाएगा, ये दूंगा और ये बता दूंगा कि क्या फाइंड करना है सही है। प्रैक्टिस मेक्स बेटर, बाकी ये मैं फॉर्मूले दे दूंगा पेपर में, लेकिन फार्मूला का तुम्हें पता होना चाहिए अप्लाई कैसे करते हो, फार्मूला मैं पेपर में डिफाइन कर दूंगा कि ये है, रट्टा नहीं मानना है फार्मूलों का, ये मेरी गारंटी है सही है।
अच्छा अब देखो, 1 माइनस 1 के लिए क्या करोगे, 1 की ये 9 आ जाएगी अपॉन में, और ये उस वाले 1 के लिए वो 2 जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। ये तो तुम्हारी वैल्यूज अब हो गई। ये इसका फॉर्मूला है देखो, डिवाइड एंड डिफरेंस का, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, सही है। अच्छा तुम्हारा एक्स किया और एक्स नॉट किया, मैं फिर बता देता हूँ, तुम्हारा एक्स नॉट हमारा हमारी पहली वैल्यू होगी 2, और एक्स हमारा वही है जो फाइंड करना है हमें, जो 5 है, सही है भाई। ये है इसमें ये चक्कर है, और क्या कहते हैं, एक्स और एक्स वन, ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लगाए, इसका मतलब मैं ये वाली बात कर रहा हूँ। फिर है प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, फिर एक्स माइनस वन, और एक्स माइनस वन क्या हो जाएगी फिर तुम्हारी, ये 3 हो जाएगी। लाजमी सी बात है, जब एक्स नॉट ये है तो एक्स 3 है, तभी मैंने ये एक एरे बना दिया था याद रखने के लिए कि एक्स नॉट ये है, एक्स वन ये, एक्स टू, एक्स 3, एक्स 4। वरना चाहो तो यहाँ तुम छोटा सा लिख लेना, एक्स नॉट लिख देना इसको, या एक्स वन, एक्स टू, एक्स 3 और एक्स 4 यहाँ लिख लेना। तो फिर ये एक्स नॉट, एक्स वन और एक्स टू प्लस, फिर एक्स नॉट माइनस एक्स, एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट, फिर एक्स माइनस एक्स वन, फिर एक्स माइनस एक्स एन, ये एक जनरल फार्मूला मैंने लिख दिया। हमारे में तो कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है, तो 4 तक का बनेगा हमारा। अब देखो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, अगर फर्ज करो, अब देखो इसमें जो है क्या लिखा हुआ है, वैन देयर इज नो इक्वल इंटर। अच्छा इसमें इक्वल इंटरवल नहीं है ना, तो मैं चाहूँ तो मैं 5 को 2 और 3 के दरमियान भी इंटरपोलेट कर सकता हूँ, मैं 5 को चाहूँ तो 3 और 6 के दरमियान भी इंटरपोलेट कर सकता हूँ। इसमें आप कोई देखो क्या कहते हैं, इंटरवल जो है सेम नहीं है, तो अब मैं कहीं पे भी इसको इंटरपोलेट कर सकता हूँ, चाहे यहाँ करूँ चाहे यहाँ करूँ। अगर मैं 5 को करना चाहूँ तो मैं इधर भी कर सकता हूँ 3 और 6 के दरमियान, लेकिन अभी मैंने आसानी के लिए तुम लोगों को सिखाने के लिए 2 और 3 के दरमियान करा है मैंने 5 को ना इंटरपोलेट। तो देखो अगर मैंने इधर करा क्या, यार असल में देखो, चलो इधर कर लो, आगे अच्छा इधर करो, इसको काट के 5 को इधर कर दो, सही है, यहाँ पर 3 और 6 के दरमियान, अब बन रही है सेंस। अब बताओ इसमें मेरा डायगोनल क्या बनेगा, फिर डायगोनल, हाँ ये बनेगा फिर, सही है। अगर मैं यहाँ पर लिखता कि 2.5, तो फिर यहाँ पर तुम लोग चलो इंटरपोलेट कर देते, सही है। अगर चलो मैंने यहाँ 5 कर दिया, तो 3 और 6 के दरमियान आएगा 5, सही है। तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बताओ, हमारा एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, तला, अबे यार तुमने बता दिया। अच्छा तला तो छुपा हुआ हुआ है, बोल ही नहीं रहा। हाँ देखो तला, हमें 5 इधर इंटरपोलेट करना है, सही है, इसको भूल जाओ। अभी 5 हमने करा 3 और 6 के दरमियान, तो हमारा डायगोनल बनेगा 39, 68, 16 और 1, सही है। तो हमारा ये डायगोनल बनेगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा हमारा 39, सही है। और हमारा एक्स क्या होगा, एक्स तो हमारा सेम ही रहेगा जो हमें फाइंड करना है, और एक्स होगा हमारा 5, सही है, एक्स हमारा होगा 5। अब माइनस करना है एक्स नॉट से। अब बताओ तुम्हें यहाँ एक्स नॉट क्या होगा, तुम्हारा 3 होगा, 2 होगा, क्या होगा, अब बताओ, सही है। जो ऊपर वाला होगा ना, वो हम उसको क्या लेंगे, एक्स नॉट लेंगे हमेशा। यस हाँ, सिक्सटी 8, 16 और 1 से निकलेंगी। हाँ 15, 24, 11, 1 और 0 का यूज ही नहीं होगा।
आती है, सिर्फ जो डायगोनल वाली है सिर्फ वही हम यूज़ करेंगे फॉर्मूले में। तो सुन लो, अब यहाँ लिखोगे तुम 5, या मैंने यहाँ 2 लिखा हुआ है, अब 2 की जगह क्या कर दोगे तुम, 3 कर दोगे, सही है। और फिर यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 39, फिर प्लस करोगे 5 माइनस, अब इसके बाद क्या आएगा 5 माइनस 3, यहाँ पे भी अभी 3 रहेगा, फिर यहाँ आएगा 5 माइनस 6 आ जाएगा, सही है। फिर मल्टीप्लाई कर दोगे 68 से, फिर ये करोगे 5 माइनस 2 5 माइनस 3, फिर सॉरी 5 माइनस 3 5 माइनस 6, फिर आएगा 5 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 16 आ जाएगा यहाँ, फिर यहाँ करोगे 3 6 7 और एंड में आएगा 9, और फिर मल्टीप्लाई बाय किससे होगा तुम्हारा 1 से। तो तुम्हारा यहाँ पे कुछ आंसर आ रहा होगा, सही है भाई को, जब पूरा सॉल्व करोगे, जब तुम्हारा आंसर आ रहा होगा तो तुम्हारा ये वही कैलकुलेट हो जाएगा कि 39 से छोटा नहीं आना चाहिए और 16 से, सॉरी 39 जो 3 की वैल्यू है उससे छोटा नहीं होना चाहिए, और जो 6 है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, हमारा एफ ऑफ एक्स 5 है, तो इनके दरमियान होना चाहिए, इससे बड़ा और इससे छोटा होना चाहिए। अगर अभी तुम करके देखो ना तो तुम्हारा करेक्ट हो जाएगी ये वैल्यू, अगर करके देख, अगर कैलकुलेटर में वो कर लो, क्या कहते हैं, कैलकुलेशन करके देख लो, आ जाएगा इसका आंसर। इसका मतलब देखो मुनीब, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैंने 5 को यहाँ पे इंटरपोलेट करा हुआ है, मैं ये दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे 5 को 6 में ही इंटरपोलेट करा है। देखो एंड में देखो आंसर क्या आ रहा है मुनीब, 147 आ रहा है, तो 147 तो इसमें आ ही नहीं रहा इन दोनों रेंज में, ये तो इसकी रेंज में आ रहा है ना। मैंने इसमें ये बताया कि हमने इसमें एक्स नॉट 2 को लिया है, कंसिडर करा है, अगर हम यहाँ से लेना शुरू करते हैं ना अपना डायगोनल, अगर हमने इसको कंसिडर कर लिया तो तब भी हमारा आंसर सही आएगा, लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया कि इंटरपोलेट इसमें करना, अगर मैं बोलता 2.5 तो फिर तुम यहाँ से डायगोनल बनाते, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ 5 इंटरपोलेट करना 3 और 6 के दरमियान, तो अब तुम्हें यहाँ से डायगोनल बनेगा 39 68 16 1, सही है, ये बनेगा तुम्हारा, कर लो तुम लोग, अगर कैलकुलेशन करनी है बिल्कुल सही आएगा, इन दोनों के दरमियान आएगा। तो क्या हो गया, नहीं आंसर क्या आ रहा है, आंसर कर रहे हो, अरे ये वाला ये मेरा वाला नहीं करना, मैंने यहाँ पे 2 पे लिया हुआ है, 15 प्लस 5 माइनस 3 लिखो, डायगोनल चेंज हो जाएगा ना 39, यार ये लिखो ना, एक मिनट कॉपी निकालो, मैं बता रहा हूँ वो लिखना शुरू करो, ये नहीं लिखना, मैं इसका आंसर इसकी वैल्यूज बता रहा हूँ जो हमने 39 68 16 और 1 डायगोनल लिया ना, एक कॉपी निकाल लो, उस पर लिखो y इक्वल टू 39 प्लस, लिखो ज़रा कॉपी निकाल लो, फिर मुझे बताओ, मैं फिर तुम्हें बताना शुरू करता हूँ। अब ये वाली वैल्यूज़ को नहीं देखना, मैं दूसरी वैल्यूज़ बता रहा हूँ, और उस कैलकुलेटर पर ले आओ, कॉपी निकाल ली। हेलो, हाँ लिखो, लिखना शुरू करो ना, 39 प्लस 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 68, ये कर लिया, ये पहले अभी उस पर लिखो, कॉपी पे लिखो, कैलकुलेटर में तुम अभी भंड मारोगे, इसलिए यहाँ ब्रैकेट भी है ना, पहले एक दफ़ा कॉपी पे नीट एंड क्लीन लिख लो, फिर उसके बाद कैलकुलेटर में करते रहना। 39 प्लस 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 68,
ये हो गया। अब आ जाओ फिर उसके बाद प्लस करो, उसके बाद लिखो 5 माइनस 3, 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 16, मल्टीप्लाई बाय 16। फिर लिखो 5 माइनस 3, 5 माइनस 6, 5 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर एंड में तो पूरी होल टर्म 0, 1 मिनट, 1 2 3 4 16, हाँ 39 ये हो गया, 68 ये हो गया, 16 ये हो गया, 1 ये हो गया, सही है। हाँ बताओ अब आंसर क्या आ रहा है, इसमें 9 तक नहीं जाएगा। 3, देखो मैं शुरू से बता रहा हूँ, थर्ड देखो, हाँ, 1 मिनट रुको, देखो मैं शुरू से बता रहा हूँ, एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना। 39 प्लस 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस 5 माइनस 3, 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 16। यार मनी भाई एक मिनट, हेलो, फिफ्थ, एक मिनट ज़रा रुकना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यार, वो डायगोनल जो है ना, मैं पुराना वाला ही लिया जा रहा हूँ, एक वैल्यू मैंने डायगोनल की पुरानी वाली लिख दी है। ये देखो इधर आओ, यहाँ है 39 प्लस, इस तरह लिखोगे 5 माइनस 3, फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ब्रैकेट लगाया मल्टीप्लाई बाय, और क्या आएगा अब यहाँ 68, सही है। फिर यहाँ लिखोगे, ये मैंने इसको कॉपी करा, 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय, तुम्हारा क्या है 39, 16 आएगा भैया, सही है। अब प्लस करोगे फिर से 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 7, अब एंड में आएगा तुम्हारा 1। ये है तुम्हारा 68 16 1 68 16 1, ये तुम्हारा डायगोनल मिल गया, 39 68 16 और 1, ये है। इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को नजर आ जाए, सही है। ये ट्रम है तुम्हारी, इसको देख लो, वही आ रहा है, यही देख लो सारी चीज़ें, हाँ बस सही है। तो वेरीफाई हो गया कि हमारी इसके बीच में ही आ रही है, सही है। और ये होगा तुम्हारा, हाँ बस तला गड़बड़ हो रही है, कुछ बताओ मुझे। अच्छा मैं यहाँ अभी वीडियो पॉज कर देता हूँ, और अगर कुछ पूछना हो ना तो फिर मैं कर दूँगा, वैसे वीडियो पॉज कर रहा हूँ, बाकी तुम, मैं बैठा हुआ इधर ही बैठा। तो इस ट्रम को जब हमने प्लस करा, 39 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 68 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 6 16 5 माइनस 3 5 माइनस 6 5 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 39 प्लस 36 माइनस 32 प्लस 4, ये आंसर आएगा। और मैं ये वाला आंसर प्रिंट स्क्रीन करके अपने